परम आदरणीय जिकड़ी के प्रांगण में विराजमान समस्त श्रोता बंधु, आदरणीय बंधुओं, सुबह का वक्त एक गोपी ने कहा अपनी सखी से, बहन पर मेरो पिया ना है। भैया आज माँ यशोदा पहुंच गई कन्हैया के पास और कहा, लाला देख और है गयो सवेरा, अजी है गयो सवेरा, और ताकत अब ढूंढी है नार सब नीची डाल गए। सुना विप्रक बहन सूर माही मत हार गए। शब्द सुने हैं, उस सभा में मौजूद अर्जुन बैठे हुए हैं। आज जैसे ही पंडित जी के शब्द सुने, बस नेत्र लाल हो गए और खड़े हो गए और कहा, पंडित अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये हम वचन देते हैं कि आगे भविष्य में जब आपको कोई घर बच्चा हो तो आप मेरे लिए खबर करना और बस हम तेरे पुत्र की रक्षा करेंगे। ऐसे शब्द कहे अर्जुन ने। और आज पंडित जी को समझाया और कहा, पंडित जी धीरज धारण कीजिए। क्यों, क्या समझा रहे हैं? हे विप्रदेव, एक बात याद रखना। कौन सी? जो बीत गए जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। और अर्जुन की ओर देखा, मन शांत हुआ। भैया रामवीर अरे धार जाने अज धार जाने दिल में सो धीरज लियो धार। वापस विप्र चल दिए घर को, वापस विप्र चल दिए घर को। अरे नार जाने रो मत तेरा आखी अपनी नार। पारथ वीर करे गोरक्षा, पारथ वीर करे गोरक्षा। अरे हार बात है कई ये दुनिया रण में हार बात है कई ये दुनिया। अपनी पत्नी को समझाया, समय गुजरता गया और बस समय वही आ गया कि बच्चा होने को है। और उड़ान के माध्यम से भैया रामवीर गुजरन लहा दो समय और प्रसव की सब बेला प्रसव की जब बेला माँ यशोदा ने कहा कन्हैया से, लाला तेरी ये ग्वालें रोज शिकायत लेकर के आती हैं, कन्हैया तेरे घर माखन की क्या कमी है। आज कन्हैया ने कहा माँ एक बात कहूँ आपसे। क्या कहा? मैया मोरी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो री, मैया मोरी मैं कब माखन खायो रे मैया मोरी। ग्वाल बहाल सब पैर पड़े हैं, ग्वाल बहाल पैर पड़े हैं समय भी